नमस्कार, मैं कुमार श्याम। कांग्रेस के सबसे बुरे दौर में और भाजपा के सबसे मजबूत दौर में कांग्रेस का बहुत ही सशक्त और मजबूत तरीके से पक्ष रखने वाली प्रखर प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस से 19 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट करके इस बात को सार्वजनिक किया। यह अलग बात है कि प्रियंका के कांग्रेस छोड़ने की खबरें मीडिया में पहले ही तैरने लग गई थी। जो राजनीतिक लोग हैं वो इसके कुछ अनेक मायने निकाल रहे हैं, और दरअसल प्रियंका का अपना पक्ष अलग है। उन्होंने इस बात को एक अलग तरीके से पेश किया है। इस वीडियो में हम उस बात की तह तक जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रियंका चतुर्वेदी के साथ ऐसा क्या हुआ कांग्रेस के अंदर कि उन्हें रातों रात कांग्रेस छोड़नी पड़ी और रातों रात किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना पड़ा। क्या वजह है कि कांग्रेस के अंदर इस तरह की उधेड़ बुन उठा पटक चल रही है? क्या वजह है कि कांग्रेस की जो आंतरिक एकजुटता है उसमें संघर्ष होने लग गया है? राजनीतिक लोग प्रियंका के इस्तीफा देने के बाद यह कयास लगा रहे हैं कि प्रियंका को एक लोकसभा की टिकट नहीं मिली, इससे वो नाराज चल रही थी, इसलिए उसने यह कदम उठाया। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी का पक्ष ये है कि जब पिछले दिनों मथुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी राफेल डील पर, उस वक्त कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया, उसके चलते कुछ लोगों को निरस्त किया गया था अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत। लेकिन जो कार्रवाई उन लोगों पर हुई थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनुशंसा पर उन्हें वापस बहाल कर लिया गया था, यानी उनको वापस पार्टी में ले लिया गया था। उसके तहत प्रियंका चतुर्वेदी नाराज थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले पर ट्वीट किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके लिखा, उन्होंने लिखा, डीपली सडन दैट लंपन गुंस गेट प्रेफरेंस इन कांग्रेस ओवर दोज हु हैव गिवन देयर स्वेट एंड ब्लड हैविंग फेसेस ब्रेकबैक्स एंड अब्यूज अक्रॉस बोर्ड ऑफ द पार्टी बट येट दोज हु थ्रेटन्ड मी विद इन द पार्टी गेटिंग अवे विद नॉट इवन अ रैप ऑन देयर नकल्स एंड अनफॉर्चुनेट। इस तरह से अपनी व्यथा सार्वजनिक रूप से प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट के माध्यम से की। सियासी लोग चाहे कोई भी मायने निकालें, हम लोग सिंपल बात ये करते हैं कि जब पार्टी के अंदर एक महिला प्रवक्ता जिसके साथ बदसलूकी होती है और उन लोगों को एक क्षमा याचना के तहत वापस ले लिया जाता है, तो क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका चतुर्वेदी के साथ बातचीत की इस मामले में? ये स्वाभाविक है कि बातचीत हुई है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी के साथ राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की बातचीत होने के बावजूद प्रियंका पार्टी के अंदर क्यों नहीं रही? क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एक ऐसी प्रवक्ता जो कि पार्टी का मीडिया में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पक्ष रखती है, बहुत ही मजबूती से पक्ष रखती है, और एक ऐसी शख्सियत जिसने टीवी पर एक अलग प्रकार की पहचान बनाई थी। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोना और कुछ लंपट लोगों को, मैं उद्धरण चिन्हों में कहना चाहूंगा, जिन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया, उनको कांग्रेस में रखना, इसमें वरीयता देना उन लोगों को, और प्रियंका चतुर्वेदी को बाहर का रास्ता तक दिखा देना, यानी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेना, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता यह प्रश्न जरूर पूछ रहा है राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से। और जो राजनीतिक विमर्श कर रहे हैं लोग, वो भी दरअसल ये कयास लगा रहे हैं। लेकिन खैर, आंतरिक रूप से क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है उस पर हम पुख्ता रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी को लोकसभा की टिकट नहीं मिली थी उनकी मंशा के अनुसार, इसलिए वो नाराज चल रही थी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी, इस बात में भी दम है। क्योंकि इस्तीफा राहुल गांधी को सौंपने के 24 घंटे अंदर, यानी 24 घंटे बीते ही नहीं थे, उससे पहले ही प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया था। वह शिवसेना जो कि भाजपा के साथ गठबंधन में है। जो कुछ दिन पहले प्रियंका चतुर्वेदी स्मृति ईरानी पर गीत लिख रही थी, गाकर सुना रही थी, यानी कटाक्ष कर रही थी, वह अब दरअसल सहयोगी है कांग्रेस को हराने में। तो ये कहना भी दिलचस्प है, और इस बात से हम मुंह भी नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, पहले से ही कुछ प्लानेट चल रहा है कि उन्हें पार्टी छोड़नी है और शिवसेना ज्वाइन करनी है। तो जो ये तर्क दे रहे हैं कि उन्हें दरअसल कोई सीट नहीं मिली थी इसलिए वो नाराज थी, तो इसमें बुरा नहीं है, ये कयास लगाया जा सकता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। लेकिन हम इन कयासों पर नहीं जाएंगे। अगर भविष्य में शिवसेना प्रियंका चतुर्वेदी को कोई सीट दे देती है
तो इस बात को बल और मिलता है कि दरअसल ये जो बदसलूकी अमर्यादित व्यवहार कथित रूप से जो कहा जा रहा है, और ये कथित रूप से क्योंकि हुआ ही है, क्योंकि पहले उनको निरस्त कर दिया गया था, वो तो एक बहाना था, बल्कि उन्हें एक टिकट चाहिए थी। तो इस बात को भी महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन हम सिंपल राहुल गांधी से और प्रियंका चतुर्वेदी से यह सवाल करते हैं कि वो पार्टी की आंतरिक एकजुटता है उसको बरकरार क्यों नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो आपकी पार्टी से ही बाहर जा रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को वरीयता दी जा रही है और जो 10 सालों तक आपकी पार्टी को सींचता रहा उसको बाहर तक का रास्ता दिखाया जा रहा है, उसकी सुनी नहीं जा रही है? तो वो जो पहचान है आंतरिक रूप से अनुशासित रखने का, जो तरीका है राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का, उसमें क्या आत्मचिंतन की जरूरत है? क्या प्रियंका चतुर्वेदी की अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं जिनको कांग्रेस निभा नहीं पाती? ये जो प्रश्न है वो राहुल गांधी से जरूर पूछे जाने जरूरी हैं। और इसके साथ साथ प्रियंका चतुर्वेदी से भी हम यह प्रश्न पूछते हैं, सवाल करते हैं कि आखिर उन्होंने शिवसेना क्यों ज्वाइन की जब वो कांग्रेस के प्रति कर्तव्यबद्ध थी, जब वो विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस से प्रतिबद्ध थी, तो वह शिवसेना को क्यों ज्वाइन किया जबकि वह जो कि भाजपा के गठबंधन में है? तो क्या राजनीति के अंदर कोई विचारधारा, कोई मूल्य नहीं है? क्या आपकी कर्तव्यबद्धता, समाज के प्रति जवाबदेही, जो लोग आपको फॉलो करते हैं उनके प्रति कोई एहसास है कि वो लोग जब आप शिवसेना ज्वाइन कर रहे हैं तो वो क्या सोचते होंगे? प्रियंका चतुर्वेदी को फॉलो करना इसका मतलब ये है कि आप कांग्रेस की किसी भी विचारधारा से सहमत थे, वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व हो, चाहे सेक्युलरिज्म हो, चाहे उदारवादिता हो। तो शिवसेना ज्वाइन करना एक तरह से कट्टर हिंदुत्व, एक तरह से सांप्रदायिकरण की तरफ बढ़ना है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि राजनीति के अंदर हम किसी भी नेता के भक्त न बने, क्योंकि वो आज जो 10 सालों से कांग्रेस में है वो अगले ही पल किसी दूसरी पार्टी में हो सकता है, क्योंकि हर नेता अपनी महत्वाकांक्षाएं साथ लेकर चलता है, अपनी अवसरवादिता साथ लेकर चलता है। प्रियंका चतुर्वेदी के मामले में क्या हुआ है, वो जो तमाम पक्ष थे वो मैंने आपके सामने रखा है। अब भविष्य में उनको सीट मिलती है तो आप अपने रूप से इसको परिभाषित कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे एक महत्वपूर्ण वीडियो में। उससे पहले आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, पास के बेल आइकन उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिलती रहे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर जहां पर समर्थन का बटन है उसको क्लिक करें, वहां अपने सामर्थ्य अनुसार राशि चुन सकते हैं ताकि मैं इस काम को जारी रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।